हेलो व्यूअर्स, मैं आपके सेहत का दोस्त प्रोफेसर डॉक्टर अनवर अमीर अंसारी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जिसका नाम है क्यूरेटिव होम्योपैथी। जी हाँ दोस्तों, ये होम्योपैथी ऐसी है कि जहाँ पर हम सोचते हैं कि ये लाइलाज बीमारी है, ये हमारी जान लेकर जाएगी, ज़िंदगी भर तक दवा खाना पड़ेगा, कब्र में जाए तक इलाज करना पड़ेगा, ऐसी जो धारणा जो बन जाती है एलोपैथिक इलाज के बाद में, उसके अंदर भी मुकम्मल तौर पर आपको ठीक कर सकती है। ज़रूरत यह है कि एक अच्छी हिस्ट्री होनी चाहिए, तफसीली मालूमात मरीज़ की होना चाहिए, और एक अच्छा डॉक्टर जो कि इस किस्म से सिम्टम्स निकाले और सही दवा, सटीक दवा आपके लिए चुने जो जड़ों बुनियाद से आपकी बीमारी ख़त्म कर सकती है। ऐसे ही एक बीमारी के बारे में हम बात करेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा आम है, बहुत क्रॉनिक है, बहुत परेशान कौन है और आपकी किडनी को आगे के लिए फ्यूचर में ख़राब कर देती है। जी हाँ, वो बीमारी है नेफ्रोटिक सिंड्रोम। नेफ्रोटिक सिंड्रोम ये जो है किडनी की एक ऐसी बीमारी है जहाँ पर मरीज़ के पेशाब के अंदर प्रोटीन्स बहुत ज़्यादा रहता है। हमारे प्रोटीन जो होती है बॉडी बिल्डिंग में काम आती है, हमारे जिस्म में काम आती है, और हमारे जिस्म में प्रोटीन जो होता है वो इस किडनी की खराबी की वजह से जो है, जिसे हम बीमारी की वजह से, जिसे हम कहते हैं नेफ्रोटिक सिंड्रोम, उसकी वजह से किड प्रोटीन पेशाब में जो है प्रोटीन्स का इकराज होते रहता है और मरीज़ इसके वजह से बहुत प्रॉब्लम में आता है। आम तौर पर उसका इलाज एलोपैथी में स्टीरॉयड्स देना है। स्टीरॉयड्स के अलावा में ये कुछ कर नहीं सकते, और आप जानते हैं कि स्टीरॉयड्स क्या है, उससे क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बहरहाल, आज हम ऐसे केस के बारे में डिस्कस करेंगे और इसमें क्या क्या उपचार हो सकता है, होम्योपैथी के ज़रिए आप कैसे इस पर काबू पा सकते हैं, उसकी हम बात करेंगे। तो इसका उपचार जो है अलामतों के हिसाब से, सिम्टम्स के हिसाब से, अगर अच्छा होम्योपैथिक डॉक्टर अगर आपको देखता है और उसकी बीमारी की दवा की तशखीस बराबर करता है तो आपकी ये जड़ों बुनियाद से जा सकती है। इस ऐसे एक केस के बारे में हम जिक्र करेंगे। एक 25 साल का लड़का सऊदी अरब से काम करता था, यहाँ पर आया क्योंकि उसके पैरों में बहुत सूजन हो गई थी, पूरा सर से लेकर पैर तक सूजन हो गई थी, वज़न बढ़ गया था, 76 या 75 रहता था उसका, 106 किलो तक वज़न बढ़ गया, सूज गया, कपड़े बिल्कुल आते नहीं थे उसके, साइज़ चेंज हो गया, और चलने में सांस, कमज़ोरी, लागरपन, भूख नहीं लगना, नहीं हिलना डुलना, नहीं कुछ काम नहीं करना। हमने इसको क्या किया, आया हमारे पास में, ये सब इलाज लेकर आ चुका था, एलोपैथिक स्टीरॉयड्स लेकर आ चुका था। कुछ अरसे तक का इसकी जो है प्रोटीन्स कम होती थी, उसके बाद फिर बढ़ जाती थी, फिर स्टीरॉयड्स जाता था, टेम्परेरी तौर के ऊपर प्रोटीन्स कम होती थी, फिर बढ़ जाती थी। ऐसे 6-7 बार हो गया, हर 6-6 महीने के ऊपर इलाज करता था, फिर वहाँ से छुट्टी लेकर सऊदी अरब से यहाँ पर आया इलाज करने के लिए, मुंबई में, मुंबई का रहने वाला ही था। हमारे किसी पेशेंट ने उसको मुलाकात हुई, बताया कि उनको जैसे का फ़ायदा हुआ था किडनी बीमारी में, तो उसने वो रेफरेंस से हमारे पास में आया। हमने उसका तफसीली रिकॉर्ड, जिसे हम कहते हैं केस हिस्ट्री होती है, केस हिस्ट्री में भी आपको बहुत चीज़ ख्याल रखना पड़े, क्या क्या चीज़ आप जानते हैं, आप माइंड कैसा टटोलते हैं। एक मरीज़ है, उसके जो मेन इंपॉर्टेंट जो होती है, सबकी जो अलामतें होती है, उसका माइंड होता है। बीमारियाँ जो भी फैलती है, क्या भी जो भी वजह से बीमारियाँ फैलती है, आपको ये दिखता है कि ये बैक्टीरिया वायरस है, उसके पीछे भी एक माइंड होता है जो आपको परेशान करता है, और उसके बाद में जो बीमारी आपको लाहक होती है। तो हमने पूरी उसकी कवायद जानी और हमने एक दवाई जो जादू जैसे असर करती है उसका हमने उससे सेवन करा, उसका नाम, दवा का नाम था फॉस्फोरस। इस दवाई के बाद में खाने के 12 दिन के बाद में, सिर्फ 12 दिन के अंदर ही, जो कि मतलब स्टीरॉयड से भी इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा था, स्टीरॉयड खाने के बावजूद उसको कोई शिकायत में तब्दीली नहीं आई थी, 12 दिन की दवाई के अंदर उसका इम्प्रूवमेंट चालू हो गया। उसके बाद में उसने कुछ अरसे तक इलाज शुरू किया, फिर बाद में वापस चले गया, काम वाम शुरू कर दिया, क्रिकेट खेलने लगा, पूरे वापस से जो लड़का हिल डोल नहीं सकता था वो क्रिकेट खेल रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, भाग रहा, दौड़ रहा है, काम काज कर रहा है अपना पूरा, वापस सऊदी अरब चले गया। फिर बाद में 1 साल के बाद में हमारे पास फिर आया, फॉलोअप दिया, उसकी 6-6 महीने की नहीं, 3 हफ्ते की रिपोर्ट्स कराता था पेशाब की, और उसमें हर बार के अंदर उसका यूरिन नॉर्मल, नो ट्रेस ऑफ प्रोटीन किस्म से आया, 24 घंटे के रिपोर्ट्स कराया, नॉर्मल आया। आज वो सेहतमंद है, हो सकता है कि आपके साथ में ये वीडियो भी आप शेयर करेंगे और आप संतुष्ट रहेंगे कि हाँ, कि किडनी की बीमारी में भी रास्ता होम्योपैथी से निकल सकता है। जी हाँ, बिल्कुल निकल सकता है, और आप किडनी की बीमारी अगर ख़राब से ख़राब हो तो उसमें भी आपको फ़ायदा हासिल हो सकता है।
देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल क्यूरेटिव होम्योपैथी और शेयर भी कीजिए आपके दोस्तों के साथ में, जाने वाले सब में। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक और शेयर जरूर करें। नए वीडियोस की जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल क्यूरेटिव होम्योपैथी को अभी सब्सक्राइब करें और नए वीडियोस देखने के लिए बेल बटन पर क्लिक करना न भूलें। साथ ही अपनी राय आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और डॉक्टर अनवर अंसारी से सीधे बात करके अपनी बीमारी का इलाज जानने के लिए आप हमारे नंबर पर फोन भी कर सकते हैं।